मौसम चेंज होने लगा है और हम सभी लोगों को आइसक्रीम और कुल्फी की याद आ रही है, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर सुपर इजी, सुपर क्रीमी और सुपर टेस्टी ठंडी ठंडी मार्केट जैसी आइसक्रीम की बहुत ही सरल रेसिपी, क्योंकि इसमें है मेहनत कम, स्वाद भरपूर और तारीफ बेमिसाल। आज की जो आइसक्रीम है इसका जो टेस्ट और जो इसका टेक्सचर आएगा, बिल्कुल मार्केट से वो जो आप क्रीमी क्रीमी ब्रिक्स खरीदते हैं ना, उससे भी बढ़िया और सॉफ्ट और फ्लफी, मतलब मुंह में जाते ही घुल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्केट जैसी क्रीमी क्रीमी टेस्टी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक बड़ी भारी कढ़ाई। तो अभी कढ़ाई को मैंने गैस पर नहीं रखा है, यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा लीटर दूध। ये मैंने गाढ़ा वाला दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क आता है ना, कोई भी पैकेट आप ले सकते हैं, नॉर्मल दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम के लिए जितना फैट कंटेंट बढ़िया रहेगा उतनी ही क्रीमी हमारी आइसक्रीम तैयार होगी। अब इसी दूध में से हम एक बोल में 2 चम्मच दूध, मान के चलिए 1/4 कप के करीब दूध अलग से निकाल लेंगे। और यहाँ जो मैंने दूध लिया है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है, न ठंडा है न गर्म। इस कटोरी वाले दूध को अभी हम अलग रख देंगे। अब मीडियम हाई फ्लेम पर बीच बीच में एक दो बार चला दीजिए, इसमें आने देंगे बढ़िया से एक उबाल। अब यहाँ देखिए, ये जो मैंने दूध अलग से निकाला था ना, बिल्कुल ठंडा है, बहुत ही जरूरी पॉइंट, एकदम ठंडा दूध लेना है, चाहे तो फ्रिज का दूध भी आप ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर, ये मैं वनीला फ्लेवर का ले रही हूँ। अच्छे से इस तरह से ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर को हम घोल लेंगे। अगर आप गर्म दूध ले लेंगे या थोड़ा भी हल्का गर्म भी दूध ले लेंगे तो भी इसमें लम्स बन जाएंगे, इसलिए इस बात को मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि इसको ठंडे दूध में ही घोले। अब जैसे ये मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप चाहे तो जो पिंक वाला आता है ना वो भी ले सकते हैं। और ये देखिए 2 मिनट बिल्कुल बढ़िया से दूध उबल गया है, तो इस स्टेज पर फ्लेम को कर देंगे लो, और लो फ्लेम पर जो भी हमने घोल तैयार किया ना कस्टर्ड और दूध वाला, तो एक साथ नहीं इस तरह पहले मिलाइए, क्योंकि नीचे बैठ जाता है कस्टर्ड पाउडर, तो मिला करके थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और एक हाथ से मिलाते जाइए, एक हाथ से डालिए और एक से मिलाइए, फ्लेम बिल्कुल लो रखिए, इससे जो कस्टर्ड का मिक्स है वो दूध में बिल्कुल बढ़िया से बिना किसी लम्स के एकदम मिक्स हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और दूध को थोड़ा सा और गाढ़ा होने देंगे। सारी चीजें मैं आपको इसलिए बताती जा रही हूँ कि अगर कोई पहली बार भी बना रहा है तो वो भी आसानी से बना ले। अच्छा, जो कस्टर्ड पाउडर हमने लिया है ना, उसमें वेनिला फ्लेवर ऑलरेडी मिला हुआ है, तो फिर वेनिला एसेंस वगैरह अलग से खरीदने की या अलग से डालने की भी कोई जरूरत नहीं है, सब एक ही चीज से काम बन जाता है। और इस तरह लगातार जरूर चलाएं कस्टर्ड मिक्स डालने के बाद, लगभग 3 से 4 मिनट थोड़ा और पका लें, उतने में ही आप देखेंगे काफी गाढ़ा हो जाएगा ये। अभी जैसे होली आ रही है, वुमेन्स डे है, तो आप ये आइसक्रीम बनाकर सबको सरप्राइज कर सकते हैं, मेहमानों को खुश कर सकते हैं। और स्पेशली जब ये मौसम चेंज हो रहा होता है ना कि एकदम ठंड से गर्मी आ रही होती है, तब तो बहुत ही मन करता है ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि दूध पहले से गाढ़ा हो गया है, कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है, तो बस इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप चीनी, ऐसे मानिए 1 कप से थोड़ी सी कम मैं चीनी ले रही हूँ। चीनी यहाँ पर आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी सी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है ना, आपको थोड़ा सा पतला लग रहा होगा क्योंकि चीनी डाली है, तो थोड़ी देर और पका लेंगे, लेकिन चलाएंगे जरूर। और अभी आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज हो गई है, आपको ये गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा होगा। ये देखिए कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार की, जब आप स्पैटुला या चम्मच से इसको इस तरह से डिप करेंगे तो देखिए कोटिंग सी हो रही है, ये देखिए बिल्कुल इतना भर तक ही हमें इसको पकाना है, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद ना ये और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो बस इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और पूरी तरह से मिक्स को ठंडा होने देंगे। मैंने मिक्स को गैस से उतार लिया है, बीच बीच में इस तरह चलाते रहेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब मिक्स ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए, एकदम रूम टेम्परेचर पर आ जाए, इसको हम रखेंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में, जिससे कि ये बिल्कुल चिल्ड एकदम ठंडा हो जाए। फ्रीजर में नहीं, बस फ्रिज में ही रख दीजिए, उतना भर बहुत है, हमें कोई इसमें बर्फ नहीं जमानी है, बस इतना करना है कि थोड़ा गाढ़ा हो जाए और एकदम ठंडा चिल्ड हो जाए मिक्स। जब तक देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर आइसक्रीम को बिल्कुल मार्केट की ब्रिक जैसी बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, आजकल तो ये क्रीम वगैरह बहुत ही इजीली किसी भी अच्छे सुपरमार्केट या बेकरी स्टोर पर मिल जाती है। व्हिपिंग क्रीम से जो आइसक्रीम का टेक्सचर है वो काफी वॉल्यूम्ड यानी काफी फ्लफी सॉफ्ट बनता है, जैसे बाजार की होती है ना आइसक्रीम बहुत ज्यादा हल्की हल्की, वैसी बनती है। ऐसे आप आइसक्रीम के लिए कोई भी जो फ्रेश क्रीम होती है ना वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर दूध की जो मलाई होती है वो भी यूज की जा सकती है, लेकिन उससे जो आइसक्रीम है उसमें वो वाली बात नहीं आती जो मार्केट की ब्रिक वाली आइसक्रीम में होती है, जो कप आइसक्रीम्स होती है ना उस टाइप की नहीं बन पाती है फ्लफी और सॉफ्ट, और कभी कभी आइस क्रिस्टल्स भी आ जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में 100% रिजल्ट मिलेगा आपको सॉफ्ट क्रीमी रिच आइसक्रीम का, बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमेगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी, 100% गारंटीड।
अब ये मैंने ली है बिल्कुल चिल्ड क्रीम, फ्रीजर में रख दी थी, बिल्कुल चिल्ड है क्रीम। अब यहाँ पर हमें क्रीम को करना होगा बढ़िया से व्हिप। तो व्हिप करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप इसको जो हैंड विस्कर होता है ना उससे भी आसानी से व्हिप कर सकते हैं, काम उससे भी हो जाएगा पर थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। या फिर आप क्या करें, मिक्सी का जार को पूरा 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें, वो जब चिल्ड हो जाए मिक्सी का जार तब आप उसमें ये क्रीम डाल करके आप मिक्सी में भी व्हिप कर सकते हैं। स्टिफ पीक आने तक बिल्कुल बढ़िया से क्रीम को हम व्हिप कर लेंगे। ये मैंने नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम ली है जो कि पहले से ही स्वीटेंड है, यानी ये पहले से ही मीठी है, तो मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ। अब जैसे मैंने वहाँ दूध में 3/4 कप चीनी डाली थी, अगर आप यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम बिना चीनी वाली ले रहे हो तो वहाँ पर आप फिर 1 कप चीनी डालें। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बढ़िया से स्टिफ पीक बननी शुरू हो गई है। तो बस इस स्टेज पर जब बिल्कुल क्रीम इस तरह से फ्लफी सी हो जाए तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे हमारा चिल्ड कस्टर्ड मिक्स। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया गाढ़ा हो गया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और एकदम ठंडा है, बिल्कुल ठंडा ही हमें कस्टर्ड मिक्स ऐड करना है क्रीम में और 2 मिनट इसको और बढ़िया से व्हिप कर लेंगे। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ आइसक्रीम का बढ़िया लुक आने के लिए थोड़ा सा येलो फूड कलर, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना इसके बगैर भी बना सकते हैं, तो कोई भी दूसरा कलर भी ऐड किया जा सकता है। ये देखिए कितना सिल्की स्मूथ टेक्सचर आया है, एकदम क्रीमी क्रीमी सुपर सॉफ्ट। और ये देखिए कितना लाइट है, ये आपकी आइसक्रीम को बनाएगा बिल्कुल बाजार जैसी, खाकर भी कोई नहीं बता पाएगा, मेरी गारंटी है कि ये घर में बनी हुई आइसक्रीम है। और ये देखिए क्या मस्त कलर टेक्सचर क्रीमीनेस आई है, ये देखिए मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं इससे बनी आइसक्रीम के सामने तो मार्केट की आइसक्रीम भी कुछ नहीं होगी, आपके हाथों की बनी इतने आसान तरीके से, ये देख रहे हैं एकदम हल्की हल्की लाइट, ये डिफरेंस होता है जब आप व्हिप क्रीम से आइसक्रीम बनाते हैं। तो अपने आइसक्रीम मिक्स को हम इस तरह से एक फॉइल पेपर या फिर आप एक प्लास्टिक शीट किसी से भी ऊपर से इस तरह कवर कर दें, या किसी एयर टाइट बॉक्स में तैयार किया आपने तो उसका लिड लगा दें जिससे कि इस पर बर्फ ना आए। इसको हम रखेंगे फ्रीजर में पूरे 2 घंटे के लिए जिससे ये बिल्कुल बढ़िया से चिल्ड हो जाए। तो लीजिए आइसक्रीम को मैंने 2 घंटे बाद फ्रीजर से निकाल लिया है, इसको एक बार और बढ़िया से व्हिप कर लेंगे, इससे इसमें और भी ज्यादा एयर पॉकेट्स क्रिएट हो जाएंगे, एकदम हवा एयर ये पूरा मिक्स हो जाएगा जिससे जो आइसक्रीम है उसमें पॉइंट भर भी बर्फ नहीं आएगी, एकदम स्मूथ सिल्की टेक्सचर आपकी आइसक्रीम का तैयार होगा। अगर आप मिक्सी में बना रहे हैं तो मिक्सी में ही आप दोबारा से इसको चर्न कर लें। और ये लीजिए मैंने आइसक्रीम को बढ़िया से 2 मिनट और चर्न कर लिया और आप देख सकते हैं इसका जबरदस्त वाला टेक्सचर, ये देखिए क्रीमी क्रीमी सुपर सॉफ्ट एकदम लाइट। अब हम लेंगे एक एयर टाइट बॉक्स और बॉक्स में अपने आइसक्रीम के मिक्स को इस तरह से डाल देंगे, कितना क्रीमी मिक्स लग रहा है अभी खा लो। और ये देखिए मैंने बिल्कुल बढ़िया से आइसक्रीम को बॉक्स में सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ, आपके पास कोई भी प्लास्टिक शीट इस तरीके की हो, ये मैंने दूध वाला जो पैकेट आता है ना धो करके सुखा करके वो ले लिया है। और इसको बिल्कुल आप जो इसकी सरफेस है उसको टच करते हुए बंद करें, या तो फॉइल पेपर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल भी आइसक्रीम में बर्फ नहीं आती है और इस प्रोसेस से तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, जिस तरह से आज हमने ये आइसक्रीम बनाई है तो इसमें बर्फ जमने का तो सवाल ही नहीं है। देखिए सरफेस को टच करते हुए मैंने इस तरह से शीट को लगा दिया है, अब बस इस पर लगाएंगे लिड और आइसक्रीम को रखेंगे लगभग 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में। तो बस अब इसको हम रखेंगे फ्रीजर में सेट होने के लिए लगभग 6 से 7 घंटे के लिए, डिपेंड करेगा आपकी रेफ्रिजरेटर पर, चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी फ्रीजर में रख सकते हैं। और मेरी ना 2 बॉक्सेस आइसक्रीम तैयार हो गई है, एक बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, तो सोचिए कितनी कम सामान से इतनी सारी आइसक्रीम आपकी घर में ही बन गई। तो इसको भी मैं रख देती हूँ फ्रीजर में, तरह लगा देंगे बस और लीजिए 6 से 7 घंटे हो गए हैं, तो चलिए अपनी आइसक्रीम को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी मेहनत और रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज 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 आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए अब इसके ऊपर जो हमने प्लास्टिक लगाई थी ना, बस धीरे से इसको आप हटा दीजिए। वाओ बहुत ही बढ़िया, मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं, इसकी लुकिंग से ही आप समझ गए होंगे कि आइसक्रीम में जरा भी बर्फ नहीं जमी है और एकदम सिल्की स्मूथ हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है। ये देखिए परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट कलर और कंसिस्टेंसी, तो अब आप देखिएगा। तो बस लेंगे एक आइसक्रीम स्कूपर और इस तरह से धीरे धीरे आइसक्रीम को स्कूप आउट करेंगे। ये देखिए बहुत ही शानदार हमारी आइसक्रीम झटपट बनकर तैयार हुई है, आप अपने आप ही समझ जाएंगे और देखेंगे कि मार्केट की आइसक्रीम से भी बढ़िया टेक्सचर है, खाने में तो इतनी अमेजिंग है हर कोई आपकी तारीफ करेगा और सभी पूछेंगे कि ये आइसक्रीम घर में कैसे बनाई है। बस यहाँ मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी इस तरीके के फ्लफी और हल्के टेक्सचर के लिए आप व्हिप क्रीम का ही इस्तेमाल करें। ये देखिए बनी है ना एकदम टेम्पटिंग, आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। बस इसको ऊपर से मैं थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ ये रंगीन टूटी फ्रूटी से, थोड़ी सी रेड वाली और थोड़ी सी ग्रीन।
और थोड़ा सा डाल दिया बारीक कटा हुआ पिस्ता और थोड़ा सा बादाम के फ्लेक्स। आप अपने तरीके से ये मजेदार कस्टर्ड आइसक्रीम को गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए मैं एक बाइट आपको खाकर दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम क्रीमी सॉफ्ट सॉफ्ट। अब तो रुका ही नहीं जा रहा है, घर वाले भी वेट कर रहे हैं। मैं करती हूँ सबको सर्व, मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मुझे बहुत ही खुशी होगी। मैं सारे ही कमेंट पढ़ती भी हूँ, आंसर भी देती हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत और वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।